वहीं कोरोना काल में जहां एक और लोगों की जान जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस महामारी में भी लोगों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और स्वास्थ्य विभाग ने लैब में रेड मारकर कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का भंडाफोड़ किया है। पेश आपके लिए क्रिमिनलों से हमें ये सूचना मिल रही थी कि एक ये रैकेट चल रहा है गलत आरटीपीसीआर रिपोर्ट देने का। अच्छा। तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और हमारी एक ज्वाइंट रेड है, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के पास भी ये सूचना थी काफ़ी टाइम से, तो हमने एक टीम बनाई और एक डिकॉय कस्टमर को यहाँ पे भेजा। तो हमें पता चला कि भाई अनुज शर्मा नाम का एक ये मैनेजर कम इंचार्ज है, जिसने कि SRL डायग्नोस्टिक लैब की फ्रेंचाइजी ली है। ठीक है। तो हमने अपना डिकॉय भेजा, डिकॉय ने इनसे बात की और इनको बताया कि भाई इस तरह हमें किसी पर्पज़ के लिए ये रिपोर्ट चाहिए और पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। तो ये एग्री हो गया अनुज शर्मा और इसने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोला। हमने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा दिए इसके अकाउंट में और फिर इसने बोला अगले दिन आप आके रिपोर्ट ले लें और मैं व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करवा दूँ। ड्रग कंट्रोलर की माने तो लैब के संचालक फर्जी तरीके से रिपोर्ट बनाने के 900 रुपए की राशि ले रहे थे, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सरकार की तरफ से 299 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं छापे के दौरान कई आपत्तिजनक रिपोर्ट भी मिली है, जिसकी जांच जारी है। फिलहाल लैब का संचालक फरार हो चुका है। ये 900 रुपए के हमें बिल मिले हैं यहाँ पे। अच्छा। जो कि ऑथोराइज नहीं थे, सिर्फ सरकारी रेट 299 रुपए है, वो ले सकते थे। उस तक अभी हम पहुँचेंगे। जो अनुज शर्मा है वो फिलहाल फरार है और हमें यहाँ पे इसके एम्प्लाई मिले हैं, इससे लीड लेके और हम इसका पर्दाफाश, पूरा पर्दाफाश करेंगे। अभी तो हम इसके दो एम्प्लाई हमारी हिरासत में हैं। ये तो अभी जांच का विषय है। काफ़ी हमें रिपोर्टें मिली हैं और आगे भी हमें जब वो उसमें पकड़ में आ जाएगा तो काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। हाँ, ये पूरा रैकेट हम इसको बस्ट करेंगे। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है इसमें पूरी मामले में, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपदा में अवसर तलाशने का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। फर्जी रिपोर्ट तैयार कर लोगों से ठगी की गई है, लेकिन किसी ठीक ठाक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव बनाना और किसी पॉजिटिव व्यक्ति को चंद पैसे के लिए नेगेटिव दिखाकर, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि चंद रुपयों के लिए कैसे लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इस तरह के मामलों पर रोक लगा पाएगा, या लोग आपदा में अवसर उठाते हुए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ इसी तरह से करते रहेंगे। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। कोरोना को रोकने के लिए सरकार वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से चला रही है। इस अभियान के चलते देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन के कारण तीसरी लहर में काफी राहत देखने को मिली। आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में अभी तक सबसे ज्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार 48,39,800 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आज भी गुरुग्राम में 66 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहा है, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाया जा सके।